लेकिन दूसरी बाइक जो है वो उठा लिया पुलिस वालों ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब? तो गाइज आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा कल वाला, तो आपको पता होगा कि मैं जो है मोबाइल लेने के लिए बाजार गया था और हमें जो मोबाइल है वो नहीं मिला था। तो अभी अभी मेरी फ्रेंड की कॉल आई है फैसलाबाद से और वो कह रहे हैं कि आ जाओ फैसलाबाद, थोड़ा सा चिल करते हैं। और मेरा भी मूड बन रहा था कि फैसलाबाद जाने का मोबाइल देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई लड़का नहीं नजर आ रहा था। लेकिन अब फ्रेंड का फोन आ गया, तो अब मेरा प्रोग्राम बन गया फैसलाबाद से जाके मोबाइल देखने का, अगर वहाँ से कोई अच्छा मोबाइल मिल जाए वो खरीदने का। तो अभी जो एक मसला ना वो खड़ा हो गया। तो मसला क्या है? मसला ये है कि जो मोबाइल मुझे अच्छी रेंज का चाहिए तो मेरे पास अभी पैसे नहीं। तो अभी घर वालों से पैसे मांगते हैं, देखते हैं मिलते गए कि नहीं मिलते। अगर मिल गए तो फिर आज फैसलाबाद जाएंगे। फैसलाबाद तो मेरा प्रोग्राम बन जाएगा जाने का, लेकिन मोबाइल नहीं ले सकूंगा अगर पैसे ना मिले। अगर मिल गए तो फिर इंशाल्लाह मोबाइल ढूंढेंगे, अगर मोबाइल भी मिल गया तो फिर इंशाल्लाह आज ही आपको वो नया मोबाइल भी दिखाएंगे कि कौन सा मोबाइल है जो मैंने दिया है और उसका रिजल्ट कैसा है और उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, तो वो दोनों कंपेयर करेंगे। चलिए अभी चलता है नीचे, वो घर वालों से मैं मांगता हूँ पैसे, देखते हैं मिलते कि नहीं मिलते। पैसों का इंतजाम हो चुका है, तो अभी मैं एसएन से कॉल करके पूछता हूँ कि वो फैसलाबाद में है। अगर तो फैसलाबाद होगा तो फिर अभी निकलते हैं इंशाल्लाह। तो बादल भी आ रहे हैं, तो ये चखने का ऐसे जैसे बम नहीं फटाओ, कैसा खूबसूरत लग रहा हुआ यार। आज बड़े दिनों बाद इस तरह का मंजर देखा। इधर भी हर तरफ इस तरह ही है जैसे बम फट रहा हो, ये सबसे प्यारा लग रहा है। एसएन से बाद मेरी हो गई है तो अभी चलते हैं। तो बैग में मैंने रखे हैं 500 नोट, तो कोई इतने ज्यादा नहीं, थोड़े से ही हैं, तो अभी चलते हैं। तो वैसे सुबह से बिजली ना हमारे यहाँ आ नहीं रही, पता नहीं क्या है, अभी जनरेटर हूँ। तो गए अभी मेरे साथ ना एक प्रैग होने लगा था, तो अभी मैं घर से निकला हुआ हूँ बाइक लेके, तो थोड़ा सा दूरी गया था, तो मुझे याद आया कि यार कोई चीज़ भूल गया। तो क्या भूल गया था मैं अपना बैग ही भूल गया था पैसों वाला, जिससे मैंने मोबाइल खरीदना था। तो अभी मैं दोबारा वापस गया हूँ घर, तो बैग लिया, तो अभी दोबारा निकल गए। ये जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं ना इस साइड पे सूखे सूखे से, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये न्यू इन्होंने यहाँ पे प्लांट किए हैं दरख्त सारे। तो जब ये घने हो जाएंगे ना, ग्रीन हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा वैसे यहाँ से। तो विजय आ गई है गाड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फैसलाबाद, तो यहाँ से अभी मैं जाऊँगा जी टी एस पे, तो वहाँ पे रंधावा और उसके साथ उसका फ्रेंड है तो वो आएंगे, तो फिर जाएंगे हम कचहरी बाजार, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें जो मोबाइल है ना हमारी रेंज का और हमारी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर नहीं मिलेगा। तो अभी फिलहाल मार्केट घूमेंगे तो देखेंगे कि क्या सूरत हाल है मार्केट की, मिलता है मोबाइल हमें नहीं मिलता। वैसे तो फ्रेंड कह रहा था मिल जाएगा, हो सके हो सकता है मिल जाए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। अभी कही था सर बाइक का मैंने पेट्रोल भी नहीं डलवाया, तो अभी ना जो फ्यूल गेज है इसकी वो तीन मिनट कर रही है, तो कभी भी इसका पेट्रोल जो ना वो ख़त्म हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल बाइक ने कोई ऐसा शो तो नहीं किया कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है ना वो बता यही बता रहा है कि पेट्रोल हो गया ख़त्म, तो भरवा लो भाई। तो अभी देखते हैं आगे, पेट्रोल पम्प भी जाके मैंने रुकना है, तो वहाँ पर ही डलवाएँगे पेट्रोल भी इसका। तो गाइस यहाँ पे आकर ना फैसलाबाद काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, तो ये सामने फ्लाई ओवर है, तो ये चेक करें, पेंटिंग भी की हुई है उन्होंने फ्लाई ओवर के नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ना, वाल आर्ट कह रहे हैं वो किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सामने कितना खूबसूरत मंजर है और सामने बना हुआ है सुई धागा और साथ धागा, तो ये फैसलाबाद की पहचान है, टेक्सटाइल सिटी है फैसलाबाद, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लगाया, क्या खूबसूरत लग रहा है, चेक करें। बाइक वाला भी यहाँ पर क्या काम कर रहा है यार, अभी ठुक जाती है हमारी बाइक। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा इशारा वगैरह मेरा तोड़ दिया होगा इसने, तो अभी यहाँ पे खड़े होते हैं वो, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनी है हमारे साथ। ठीक
ठीक है, सारा कुछ ठीक है, बच गया, बच गई है। तो अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं, नंदावा साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने जाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है SBL बैंक और सामने साथ ही उसके जी कचहरी बाजार, तो वहाँ पे चलते हैं। तो मेरे मोबाइल में बैलेंस ही खत्म हो गया था, तो शुक्र है रंधावे ने खुद ही कर लिया। मैं समझा मेरे मोबाइल में बैलेंस आया तो मैंने करवाया नहीं, तो अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बैलेंस ही खत्म हो गया मेरे मोबाइल का। तो यहाँ से चेक करें फैसलाबाद कितना खूबसूरत रहता है। ये स्टेट बैंक की बिल्डिंग है यहाँ की, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है फैसलाबाद। ये सामने आ गई हैं जी कचहरियाँ, तो यहाँ से हम राइट हो जाएंगे। तो ये सामने कचहरियाँ दालतें वगैरह जो थी ना, तो वो है सामने। तो इस साइड को चले जाएंगे, वो आ जाएगा कचहरी बाजार। ये सामने कचहरियाँ और इस साइड को हो गया, सामने आ जाएगा कचहरी बाजार। तो क्या बात, क्या बात, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। और रंधावा साहब क्या हाल चाल, ठीक ठाक है। चलो आप बाइक कितनी करनी हूँ, है पार्किंग कितनी करनी, पार्किंग लगा ली हम, लभो जगह फिर लभी है कितनी करनी है। चलो अभी बाइक जो है ना वो लगाते हैं पार्किंग में। यहाँ बाइक जो है यहाँ पे हमने लगा दी है सेफली। तो यहाँ पे हमारे जो भाई हैं यहाँ पे रहते हैं, तो उनको हमने कह दिया, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे खड़ी कर दो। तो अभी मार्केट है ना, वो घूम लेते हैं। चलो भाई तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा मोबाइल मिलता। चलिए ये गए, फ़ोन वगैरह हमने ले लिया। तो ये लिया है गूगल पिक्सल का। तो अभी इसका रिजल्ट है ना, मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसा रिजल्ट है इसका। वैसे काफ़ी ज़्यादा प्यारा रिजल्ट है, अभी मैं आपको ना चेक करवाता हूँ। तो ये हमारे अफजाव भाई हैं, तो इसका रिजल्ट आप चेक करें कितना प्यारा रिजल्ट है। तो अभी आपको सिनेमैटिक शो करवाता हूँ। तभी जाके अपनी बाइक उठा लेते हैं। तो बाइक इधर गई है मेरे ख्याल में, कहाँ छोड़ दी है बाइक। काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है ना, तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे आगे थे, तो पीछे हमारी बाइक है वहाँ पे। मेरा ख्याल बाइक उठा ना ले हमारी। तो ये ऑडियो क्वालिटी भी हम चेक कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी ऑडियो क्वालिटी भी। तो अभी फ़िलहाल बाइक उठाते हैं यहाँ से अपनी। अभी हमारी बाइक जो है ना उठती उठती बची है, जिसे ट्रक आ गया था, तो यहाँ पे हमारी बाइक जो है उठाने रखे थे, अभी हमने ना बचा ली है। फिलहाल अभी पता नहीं चलान होगा कि नहीं होगा। अभी गाइस ऐसा हुआ है कि हमारी बाइक भी उठाने लगे थे पुलिस वाले, तो वो बच्चे तो हो गई हमारे जानवर वाले ने जो है ना वो बचा ली। तो लेकिन दूसरी बाइक जो है वो उठा ली है पुलिस वालों ने। तो वो अभी आएगी तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट लगेंगे यहाँ थाने में आने के लिए। तो फिर यहाँ से हम चलान पे करके वो बाइक यहाँ से ले लेंगे। तो अभी फिलहाल ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। गाइस वो ट्रक जो है यहाँ पे पहुँच चुका है, तो फ्रेंड्स वगैरह भी यहाँ पे पहुँच गए, तो अभी वो चलान पे करेंगे। तो फिर आएंगे, वो ट्रक आ गया यहाँ पे, हमारी बाइक से ना लोड की हुई है पुलिस वाला। हमारी बाइक एक ही है, मेरी बाइक भी लोड करने लगे थे वो बच गई, तो अभी दूसरी बाइक ना उसमें लोड है, तो वो अभी उतारते हैं। फाइनली गए, हमारी बाइक मिल गई और ये आगे क्या बने हैं, 200 का चलाना है, निकलिए चले फिर आगे चलते हैं। अभी अभी हमें थोड़ी सी भूख लगी है, तो वो खाने पीने के लिए अभी चलते हैं। अभी हम आ गए कह लिया, तो यहाँ पे खाते हैं कुछ। तो बाइक हमने यहाँ पे लगा दी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ लगाई बाइक। गए ये दो बंदे आप चेक कर लें, तो ये अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो रंधावा साहब मैनू खुद बुला के एक ही आ की है। जुल्म हुआ सर, जुल्म हुआ। ये मुझे बुलाया उन्होंने फैसलाबाद, और अब मैं वही बताने लगा हूँ कि मोबाइल की पार्ट, मोबाइल की मुबारकबाद दी है हम। हाँ क्या मुबारकबाद दी नहीं है, ली है। हाँ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. ऊपर जो है घूमने के लिए जा रहे हैं, तो गेम वगैरह देखने के लिए। गेम खेलने, गेम खेलने देखते हैं अभी कौन कौन सी अवेलेबल है, फिर देखते हैं। अब साहब गेम खेलने जी। पैसे आप अपने अपने, मेरे भी तुसी देने हैं, मेरे पैसे भी तुमने देने हैं। अभी वो लड़का खेल रहा गेम, तो हमें जो है गेम वगैरह जो है पसंद ही नहीं आई। जे मैं कंप्यूटर पे भी खेल लेता चलो जी। गाइस अभी बाइक जो है हमारी स्वैप हो गई है, तो मैं आगे 70 पे, कितनी छोटी छोटी सी लग रही है यार। इस तरह लग रहा है मैं पता नहीं
साइकिल पे बैठ गया हूँ तो वो वाले हिसाब है। तो अभी फ्रेंड को दे रही है चलाने के लिए। तो गाइस अभी वैसे मौसम की चेक करें कितना प्यारा, या बादल चेक करें या तो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ अपने एम आई से शूट कर रहा हूँ, तो इसका यार कैमरे का एंगल ना काफ़ी ज़्यादा वाइड है। जो नया फ़ोन लिया ना उसका एंगल इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू है उसमें। तो मैंने जो ले लिया, मैंने कहा रिजल्ट अच्छा है इसका तो काम आएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो वाइड एंगल वाला कैमरा ये काफ़ी 1.5 लाख का, 50,000 1.5 लाख का पड़ रहा था, तो इतने पैसे मेरे पास आया नहीं। तो ये जो मोबाइल मैंने लिया काफ़ी ज़्यादा मुनासिब कीमत में मैंने लिया। तो अपनी बाइक चेक करने कितनी भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो अभी दिल में धड़कन भी मेरी तेज़ हो रही है जिस तरह ये भगा रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम ये चला रहा है और भगा रहा है, तो मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन बाइक जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके जो मैं गियर हूँ तो वो भी मैं अपनी बाइक की तरह ही लगा रहा हूँ, तो अब इसके भी मैं गियर दूसरी तरह लगा रहा हूँ। यार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है बाइक हमारी, वाह। तो कई बार ना दूर से देखने में और भी ज़्यादा एहसास होता है कि यार अल्लाह ने आपको क्या चीज़ दी हुई है। तो इसलिए मैंने अपनी दोस्त को बुला दिया कि मैं भी देखूं, और फिर पता चलेगा कि मैं किस चीज़ को ड्राइव करता हूं और अल्लाह ने किस नेमत से नवाजा है मुझे। तो अभी अब मैं पीछे बैठ गया हूँ रंधावा साहब, तो बाइकर चेंज हो चुका है, तो वो दोस्त अभी चला जाएगा, अभी मैं और रंधावा जाएंगे। तो अभी आपको व्यू भी दे दिखाएंगे, तो यहाँ से कैसा व्यू आता है। अभी मैं बैठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे छत पे बैठ गया हूँ। पहले मुझे ऐसा लग रहा था साइकिल पे बैठ गया, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं छत पे बैठ गया। ओके ठीक है फिर, ओके ओके रंधावा साहब, ओके फिर।